नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। बैठक से पूर्व राज्य मंत्री बेदी ने अन्य अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश में एक पहल की है और पौधागिरी कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि स्कूल प्रांगण व अन्य स्थानों पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जा सकें। उन्होंने आमजन के साथ साथ मीडिया से भी अपील की कि सभी लोग एकजुट होकर आगे आएं और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक आयोजित। पंचायत भवन में किया गया बैठक का आयोजन हरियाणा के सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में कुल 32 मामले रखे गए जिनमें 16 का किया निपटान। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी का बयान, सरकार लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए वचनबद्ध। अभय सिंह चौटाला के बयान पर दी प्रतिक्रिया, सबूत नहीं दे पाने पर कोर्ट में ले जाए जाएंगे मामले। अभय सिंह ने सरकार पर नशा बेचने में सहायता करने के लगाए थे आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पर भी साधा निशाना, अशोक तंवर के संपर्क में न उनके विधायक हैं और न अन्य नेता। बैठक से पूर्व राज्य मंत्री ने पुलिस लाइन में किया पौधारोपण। मुख्यमंत्री ने शुरू किया है पौधागिरी कार्यक्रम बेदी। बैठक के बाद में बात करते हुए राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने सिरसा प्रशासन के अधिकारियों की सराहना की और कहा कि लगातार लोगों की समस्याओं को सुलझाने में पूर्ण सहयोग करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने एक अभियान लिया है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पौधागिरी, और जहाँ जहाँ भी स्कूल में, सरकारी कहीं कार्यालय के अंदर जो कोई ग्राउंड है, हमारे हाईवेज और रोड्स के साथ साथ जितने जगह पड़ी हैं, तो हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण करना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु उस वृक्ष को संभालना बड़ी बात है। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने स्कूल के छठी क्लास से लेकर प्लस टू तक के बच्चों को एक आह्वान किया है कि वो अपने विद्यालय में, अपने प्रांगण में, जहाँ भी उनको स्थान मिलता है वहाँ पर उस पौधा लगाने का काम कीजिए, और हर 6 महीने के बाद 3 साल तक उस बच्चे को 50 रुपया महीना, माने मुख्यमंत्री जी ने एक प्रोत्साहन राशि देने का काम किया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर सबसे बड़ा अहम रोल मीडिया का रहा, वो काबिले तारीफ है। और मीडिया यदि किसी बात को हाइक करे, उठाए, तो लोगों में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता आती है। तो इसलिए मैं आज आपके माध्यम से हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को और विशेष तौर से मीडिया जगत के लोगों को आह्वान करता हूँ कि वृक्षागिरी के अंदर माने मनोहर जी की बात का आगे बढ़ाने का काम करें। थैंक यू।